चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन क्या होता है? ट्रांसलेशन देखिए, अब तो हिंदी पेपर में आता है, हिंदी के मेंस के पेपर में आता है, 10 नंबर का हिंदी से इंग्लिश और इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन। तो आपको ट्रांसलेशन बनाना कैसा और ट्रांसलेशन बनाने के लिए कौन कौन ग्रामर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रांसलेशन बनाने के लिए आपको सबसे पहले टेंस पर ध्यान देना होगा। जब तक आपका वर्ब एग्रीमेंट, वर्ब और सब्जेक्ट एग्रीमेंट क्लियर नहीं होगा, ट्रांसलेशन आपसे बहुत मुश्किल है बन पाएगा। तो ट्रांसलेशन जानने के लिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे टेंस का। इसमें मैं क्या करूँगा, आपको टेंस पढ़ाऊँगा, साथ में कुछ एग्जाम्पल्स भी दूंगा जो आपको बनाने होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर भी आपको बता दिया करूँगा। चलिए शुरू कर लेते हैं। टेंस ट्रांसलेशन में आएगा सबसे पहले टेंस। टेंस तीन प्रकार के होते हैं, आप जानते हैं, बहुत इजी चैप्टर है ये। टेंस जो होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। हम पहले स्टडी करेंगे प्रेजेंट टेंस से। प्रत्येक टेंस में हमें चार चार सब टेंसेस का स्टडी करना होगा। जैसे कि सब टेंसेस में सिंपल टेंस या इसी को इंडेफिनिट बोलते हैं, दूसरा कंटिन्यूअस टेंस या इसी को प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट टेंस भी बोला जाता है, चौथा होता है परफेक्ट टेंस और पांचवा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो इस तरह से हमें चार चार सब टेंसेस को प्रत्येक टेंस में स्टडी करना होगा। तो शुरू कर लेते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से। प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस में हम देखेंगे, देखिए हिंदी में से कहा जाता है साधारण वर्तमान काल, साधारण वर्तमान काल। अब प्रत्येक टेंस में क्या होता है कि हमें एक एक आइडेंटिफिकेशन मिलेगा, एक एक पहचान मिलेगा, उसी पहचान के माध्यम से हम ये जानेंगे कि यह वाक्य जो है इस टेंस का है, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं पहचान, आइडेंटिफिकेशन। इस काल के अंत में वाक्य में क्या आता है कि ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ती हूं, इस तरह से आते हैं। एक बात और ध्यान रखना है, कुछ ऐसे वाक्य भी आते हैं जो जिसमें ता है ती नहीं होता, लेकिन वो डेली रूटीन में शामिल होते हैं, जैसे मुझे आशा है, मुझे विश्वास है, इस तरह के जो वाक्य हैं वो भी प्रेजेंट सिंपल टेंस के ही हैं, तो उसको भी इसी तरह से ट्रांसलेट करना होगा। इसमें डेली रूटीन तो आएंगे ही आएंगे, जो फैक्ट्स होते हैं उनको भी इसमें शामिल किया जाता है। तो देख लेते हैं, देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। सब्जेक्ट पहले लगाना है आपको, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाना होता है, प्लस ऑब्जेक्ट लगाना है। देखिए सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है, फर्स्ट वाले वीडियो में, जहां पर्सन का वीडियो आपको जानने को मिलता है। उसके बाद मैंने फाइनाइट नॉन फाइनाइट का वीडियो ही बताया हुआ है, ऑब्जेक्ट के बारे में भी क्लियर उसी समय पर्सन में समझाया हुआ था, तो आप वो वीडियो देख लें अगर ये आपको क्लियर नहीं है। तो अगर क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए सब्जेक्ट यहाँ हमें जनरली यूज करना होता है आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट और कोई नाम। तो ये क्या होते हैं, जनरली सब्जेक्ट के तौर पर लिए जाते हैं। तो जैसे यहाँ अगर एक सेंटेंस है, मान लीजिए मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये एक सेंटेंस है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ पता लगाना है आपको सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जो काम कर रहा हो। तो इसमें पढ़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं कर रहा है, तो यहाँ पहले लिखेंगे हम आई, क्योंकि सब्जेक्ट हमें पहले लगाना है। फिर बोल रहा है वर्ब लगाओ, वर्ब यानी क्रिया, जो काम हो रहा है उसको पहले लगाइए। क्या काम हो रहा है, पढ़ाने का काम हो रहा है, तो पढ़ाने वाले को पहले लगा दीजिए टीच, टीच। अब होता है कर्म, तो कर्म यानी कि क्या काम किया जा रहा है, उस काम का नाम आपको लिखना है, तो उस काम का नाम क्या है, अंग्रेजी, अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश। ये देखिए आई टीच इंग्लिश इस तरह से है ट्रांसलेशन, हमें इस तरह से बनाना होता है। पता लगाना है आपको सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पे डील कर लेते हैं, कुछ रूल्स भी देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए।
देखिए अगर क्वेश्चन ऐसा हो, मैं बात करता हूँ, मैं बात करता हूँ तो क्या होगा, आई टॉक। जैसे मैं जानता हूँ, आई नो। वे बात करते हैं, दे टॉक। वे अंग्रेजी पढ़ते हैं, दे रीड इंग्लिश। इस तरह से आपको ट्रांसलेट करना होगा। ट्रांसलेशन जनरली एकदम सिंपल तौर पर नहीं पूछता है, थोड़ा वो कठिन पूछेगा, तो कठिन तरह के ट्रांसलेशन में मैं आपको बनाने को दूंगा ताकि आपको अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। चलिए देखते हैं इसके रूल्स के बारे में। प्रेजेंट सिंपल टेंस का कुछ रूल होता है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए पर्सन मैंने पढ़ाया हुआ था, तो पर्सन में हम देखते हैं रूल कैसे काम करता है। जब भी किसी वाक्य में ही का, सी का, इट का या कोई नाम का, ये क्या कहलाते हैं, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर कहलाते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जब किसी वाक्य में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट का प्रयोग होता हो तो उसमें वर्ब में आपको एस या ई एस लगाना होगा। जैसे कि वह खाना खाता है, तो इसको ट्रांसलेट करेंगे, देखिए वह शब्द का प्रयोग किया है यानी कि ही। हमको ये क्लियर हो जाना चाहिए कि जब ही, सी या इट या कोई नाम आता है किसी सेंटेंस में, प्रेजेंट सिंपल टेंस के किसी सेंटेंस में, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट अगर यूज किया जा रहा हो तो वर्ब में एस या ईएस लगाकर वर्ब को भी इनके अकॉर्डिंग हमको सिंगुलर बनाना होता है। तो देखिए ही, अब यहाँ वर्ब है भोजन करना यानी कि ईट, तो ही ईट एस लगा देंगे, ही ईट्स फूड, वह भोजन करता है, वह खाना खाता है, इस तरह से बनाना होगा। दूसरी बात, अगर किसी वर्ब का अंतिम जो अक्षर है वो एस एच हो, एस हो, डबल एस हो, सी एच हो, ओ हो, जेड हो, तो उसके साथ आपको जोड़ना होगा ई एस। नहीं हो तो एस जोड़िए, हो तो ई एस जोड़िए। जैसे देखिए वह अंग्रेजी पढ़ाता है, ये है, तो यहाँ वह यानी कि ही, हमको हमें पहले ही क्लियर हो गया कि इसमें एस एस लगाना है क्योंकि यहाँ ही की बात हो रही है। ही, अब पढ़ाना को बोलते हैं टीच, तो देखिए एस लगाना है कि ई एस लगाना है, वो इस अंतिम अक्षर से हमें ज्ञात होगा, तो अंतिम में क्या है, सी एच है, सी एच यहाँ हमने लिखा हुआ है, तो यहाँ हम क्या जोड़ेंगे, ई एस। ही टीचिज इंग्लिश, इस तरह से होगा, He teaches English, दूसरा रूल है। तीसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। तीसरा नियम यह कहता है कि यदि अंतिम अक्षर Y हो, मान लीजिए किसी वर्ब में अंतिम जो अक्षर है, अंतिम अक्षर वो क्या है, Y है, और Y के पहले स्वर का प्रयोग किया गया है, स्वर आया है, तो उसमें आपको एस ही जोड़ना है न कि ई एस। जैसे वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, ये है हमारे पास, तो ही खेलना को बोलते हैं प्ले। देखिए लास्ट में वाई आया और वाई के पहले एक स्वर है तो सिर्फ एस जोड़िए, ही प्लेस क्रिकेट। क्रिकेट यानी खेलों के नाम के पहले हम किसी प्रकार का आर्टिकल नहीं लगाते। यदि आपको आर्टिकल में कोई कन्फ्यूजन होता हो तो आर्टिकल का वीडियो जरूर देखें, उसमें आपको आर्टिकल के संबंध में सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 4 के बारे में। देखिए यदि किसी वर्ब का अंतिम अक्षर, लास्ट लेटर जो है अंतिम अक्षर, वो वाई है, और वाई के पहले किसी व्यंजन का प्रयोग किया गया हो तो उसमें आपको वाई को आई में बदलना है और उसमें ई एस जोड़ना है। जैसे कि देखते हैं वह पतंग उड़ाता है। यहाँ देखिए उड़ाना को बोलते हैं फ्लाई, एफ एल वाई, और फ्लाई में लास्ट में क्या है, वाई है, तो y के पहले एक क्या है, व्यंजन है, तो ये बदल जाएगा, f l i और e s ऐड करेंगे तो इस तरह से क्या हो जाएगा, he flies a kite, ये आपको ट्रांसलेशन में याद रखना होगा। देखिए ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस के ट्रांसलेशन आपको बनाने हैं जैसे मैं पढ़ के बता रहा हूं, और यदि कुछ कठिन शब्द होगा तो उसको बता भी दूंगा।
पक्षी घोंसला बनाते हैं, पहला क्वेश्चन है पक्षी घोंसला बनाते हैं। तो यहाँ बनाने के लिए आप बिल्ड का प्रयोग करेंगे, बी यू आई एल डी का, मेक का नहीं करना है, क्योंकि मेक बनाना है और बिल्ड निर्माण करना होता है। शब्दों के अर्थ को, भावार्थ को आप जितना जल्दी समझेंगे उतना आपका ट्रांसलेशन क्लियर होता जाएगा। लोगों को छोटा भाषण पसंद आता है, भाषण यानी कि स्पीच, छोटा यानी कि शॉर्ट। कुछ प्राणी रात में शिकार करते हैं, शिकार करना यानी कि होता है हंट, एच यू एन टी, हंट यानी शिकार करना होता है। दुकानें रात को 9 बजे बंद होती हैं, बंद होना यानी क्लोज। क्लास ठीक 9 बजे शुरू होता है यानी स्टार्ट, स्टार्ट यानी शुरू होना। रायपुर जाने वाली ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आती है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है। ट्रेन फॉर रायपुर लगाना है, रायपुर जाने वाली ट्रेन यानी कि ट्रेन फॉर रायपुर। आना यानी कि अराइव्स लगाइएगा, कम मत लगाइएगा अराइव्स, क्योंकि ट्रेन और बस जो होते हैं वो अराइव के तौर पर यूज होते हैं। मेरी त्वचा जाड़े में रूखी हो जाती है, जाड़े यानी कि विंटर, रूखी हो जाना यानी कि ड्राई। वह बोलने से पहले सोचता है, बोलना यानी स्पीक, सोचना यानी कि थिंक, और पहले यानी कि बिफोर। वह लोगों को दोष देता है, दोष देना यानी कि होता है ब्लेम, बी एल ए एम ई, ब्लेम यानी कि दोष देना। मैं वही करता हूँ जो मैं सिखाता हूँ। तो यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया गया है इसके लिए हम प्रयोग करेंगे व्हाट का, व्हाट। ये सिखाना है, सिखाना यानी होता है टीच, लर्न मत लगाइएगा, टीच है, लर्न यानी कि सीखना होता है। तो ये कुछ ट्रांसलेशंस हैं, इन ट्रांसलेशंस को आप सॉल्व करिए, मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में। यदि आप नहीं बता रहे हैं तो अपने कॉपी में सॉल्व करके रखिए, मैं जब इसका आंसर बताऊंगा तो अपने कॉपी से मैच कर लीजिएगा। लेकिन ट्रांसलेशन को अटेम्प्ट जरूर करिएगा, क्योंकि ये आपको अच्छा प्रैक्टिस कराने के लिए इम्पॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू। देखिए हमने 4 नियम यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है, आगे देखते हैं कैसे आपको निगेटिव और इंटरोगेटिव क्वेश्चन को बनाना है। तो उस तरह के सेंटेंसेस जो आते हैं, मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन ये पूछा है वह घर जाता है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, ही गोज होम। वह घर जाता है, ही गोज होम। वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। वह कोचिंग जाता है, ही गोज टू कोचिंग। तो इस तरह से आपको यूज करना है, बस ये ध्यान देना है क्योंकि इसमें एस एस आपको लगाना है, बस इसी को ध्यान देना, इसी की वजह से कई सेंटेंसेस गलत हो सकते हैं। तो यही मेन रूल है प्रेजेंट सिंपल टेंस का। अब प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या यूज़ करना है ये देख लीजिए। देखिए प्रेजेंट सिंपल टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करना होता है डू या डस का। तो डू का प्रयोग हम करते हैं आई, वी, दे और यू या किसी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ ना। यदि ही और सी एक साथ आ गए हैं तो उसके साथ डू का प्रयोग होगा, ना कि डस का। उसी तरह से डस का प्रयोग कहाँ करना है हमको, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ आपको इसका प्रयोग करना होगा। और जब भी डस प्रयोग होगा आप वर्ब से एस या ई एस हटा देते हैं, हटा देंगे। जब भी आप डस का प्रयोग करेंगे वर्ब से एस ई एस हटा दीजिएगा, डू का प्रयोग करेंगे तो उसमें वर्ब में एस सी एस तो होता ही नहीं है, डायरेक्ट यूज होता है। अब इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है इसको देखते हैं। इन दोनों का प्रयोग आपको करना है निगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। जैसे कि मैं नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं है यानी कि आई, आई के साथ हमको लगाना है डू, नहीं के लिए लगाना है नॉट और वर्ब लगाइए आई डू नॉट नो, या शॉर्ट फॉर्म होता है आई डोंट नो। इस तरह से अगर हम इसको ऐसे बोलें वह नहीं जानता है तो ये क्या होगा, ही। अब देखिए जानना के लिए हम नो का प्रयोग करते हैं, अगर हम ये लिखें कि वह जानता है तो ये क्या हो जाएगा, ही नोज हो जाएगा, वह जानता है। अब हमने लिखा हुआ है वह नहीं जानता है तो ये क्या हो जाएगा, ही डज नॉट, और यहाँ से एस हटा देंगे, ही डज नॉट नो।
तो ये दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे फॉर्म करना है, जैसे क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ता हूँ, क्वेश्चन मार्क लगाना है लास्ट में, तो लगाएंगे डू आई रीड इंग्लिश। देखिए डू आई रीड इंग्लिश, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना मत भूलिएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। डू आई रीड इंग्लिश, आई था करके हमने सामने में डू रखा हुआ है। अगर ये कुछ ऐसा होता, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, क्या वह अंग्रेजी पढ़ता है, तो ये क्या होता, डज ही रीड इंग्लिश। यहाँ पे रीड्स का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि शुरुआत में ही डज लग गया है, तो यहाँ होता इसलिए नहीं है क्योंकि डबल प्रेजेंट सिंपल टेंस हो जाएगा जो कि नियमानुसार गलत होगा, इस वजह से नहीं लगता। तो दोनों बातें क्लियर हो गई होंगी आपको, कहाँ डू लगाना है, कहाँ डज लगाना है और लगाने पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बात क्लियर हो गई है। कुछ और भी तरह के सेंटेंसेज आपको यहाँ पे ध्यान देने हैं, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन का उतना अच्छा होते जाएगा। देखते हैं डबल वर्ब, तो डबल वर्ब के संबंध में मैंने आपको इन्फिनिटिव में, जीरण में पूरी तरह से इसको समझा दिया है। डबल वर्ब कैसे यूज होता है, डबल वर्ब यानी कि या तो वो इन्फिनिटिव हो सकता है या तो जीरण हो सकता है, सीधी सी बात है, या तो इन्फिनिटिव होगा या तो जीरण होगा। तो इन्फिनिटिव का प्रयोग कब करना होता है और जीरण का प्रयोग कब करना होता है, वो मैंने इन्फिनिटिव और जीरण वाले वीडियो में क्लियरली समझाया हुआ है। फिर भी हम यहाँ देखते हैं, देखिए अगर क्वेश्चन ये रखा हो मुझे खाना पकाना नहीं आता, मुझे खाना पकाना नहीं आता है, ये क्वेश्चन है, तो इसका ट्रांसलेशन कदापि ऐसा नहीं होगा कि आई डोंट नो टू कुक फूड, ये गलत ट्रांसलेशन है, ऐसा नहीं हो सकता। आई डोंट नो टू कुक फूड ये गलत है, तो इसका सही ट्रांसलेशन क्या होगा, आई डोंट नो या आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो आपको लगाना है हाउ टू, हाउ टू कुक फूड, आई डू नॉट नो हाउ टू कुक फूड, क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। इस तरह से अगर क्वेश्चन ये हो वह यहाँ पढ़ाने आता है, वह यहाँ पढ़ाने आता है, तो क्या होगा, ही कम्स, एस लगाएंगे, हियर टू टीच, या तो ये कुछ ऐसा हो सकता है ही कम्स टू टीच हियर, ये भी सही है, ही कम्स हियर टू टीच, ये भी सही है, क्लियर। तो इस तरह सेंटेंसेस को आपको ध्यान देना होगा, मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ, उन क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करिए, निश्चित तौर पे आपका ट्रांसलेशन सुधरेगा और अच्छा होते जाएगा और आपको एग्जाम में इसका काफ़ी लाभ मिलेगा ही। तो कुछ ट्रांसलेशन मैं लिख देता हूँ, उन क्वेश्चंस को आप बना लीजिएगा, चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं या तो खुद कॉपी में सॉल्व करके रख सकते हैं, जब मैं आंसर बताऊँगा तो आप मैच कर लीजिएगा। ओके, देखते हैं ट्रांसलेशन के बारे में।